YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और चरखी दादरी के गांव कमोद के दलित वर्ग के दर्जनों लोगों ने उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर सोसाइटी के कुछ लोगों पर जमीन बिक्री करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ितों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उक्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल पीड़ितों ने बताया कि उनकी जमीन का मुआवजा दिलाने के नाम पर तीन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी तौर पर फोटो हस्ताक्षर करवाकर रजिस्ट्री किसी और के नाम करवा दी। उपायुक्त दरबार में शिकायत लेकर आई ग्रामीणों को कहना था कि कई साल से वो सरकार की ओर से दी गई हरिजन सोसाइटी की जमीन पर खेतीबाड़ी कर अपना गुजर बसर करते आए हैं। उपायुक्त पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच करवाई जाएगी। तो आपको बता दें, उपायुक्त ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है और जो वहां पर दलित समुदाय के लोग हैं उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलीभगत कर उनकी जमीन बेचने का काम किया है। जी हां, और जनता दरबार में यहां पर पहुंचे हैं, सोसाइटी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। और साथ ही आपको बता दें, उपायुक्त के पास पहुंचे थे जहां पर उपायुक्त ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जी, ये जमीन हमें 70 साल पहले हरिजन सोसाइटी ने दी थी खाने कमाने के लिए, इसी के तहत हमारा गुजारा हो रहा था और ये हमारे से अड़प ली गई, तो ये हम क्या करें। इसी के साथ अपने बच्चों को हम पाल रहे थे। ये जी अभी 2-3 दिन पहले ये गांववासी हमारे पास पंचायत में आए थे कि हमारी जमीन को किसी ने धोखे से उतरवा लिया। गाँव के एक युवक ने जिस तरह इनके साथ भाई इनका इंतकाल वगैरह करवाने के बहाने से और इनके साइन करवा लिए और उसकी रजिस्ट्री किसी और के नाम पे करा दी।